आगे बढ़ते हुए किसान आंदोलन का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं और आज एक बार फिर से किसान राजभवनों का घेराव कर ज्ञापन सौंप रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव कुमार शर्मा किसान नेता और कक्का जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है कक्का जी आपका एबीपी न्यूज पर। नमस्कार। 7 महीने पूरे हो चुके हैं, आज एक बार फिर से राजभवनों का घेराव अलग अलग जगहों पर किसान कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपने की तैयारी है, सौंपा भी जा रहा है कई जगहों पर। कैसे देख रहे हैं आप, कितनी लंबी चलेगी ये लड़ाई? जी देखिए, लड़ाई की हमारी तैयारी है 2024 तक तो है, उसके बाद भी देखेंगे क्या हालात बनते हैं, पर 24 तक लड़ाई की जारी रहेगी। अभी मध्य प्रदेश में ज्ञापन देने के लिए सरकार ने कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर रखा है हर जगह, और सरकार से वार्ता करने के बाद में जो सरकार ज्ञापन देने से भी लेने से भी घबराती हो और ज्ञापन देने से भी रोकती हो, ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ज्ञापन जैसी चीज भी सरकार लेने को तैयार नहीं है, पर ज्ञापन दिया, वार्ता हुई अभी 12:20 पर राजभवन में ज्ञापन दिया गया है, पर अभी भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के हाउस अरेस्ट किया गया है, कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट हैं। हमने सरकार से वार्ता करके कहा है कि कार्यकर्ताओं को अविलंब रिहा किया जाए, और ज्ञापन जैसी चीज़ पर आप इस प्रकार से आरोप रोक लगाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र में यही तो तरीका है कि भाई हम ज्ञापन दें अपना। आगे हमारा जो कार्यक्रम है कि बंगाल मिशन हमारा रहा, अब हमारा यूपी मिशन होगा, और यूपी में भी हम सरकार को बताएंगे कि अलोकतांत्रिक सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है सत्ता में। किसको वोट देना है हमारा इससे कोई लेना नहीं है, वोट जनता जिसको देना चाहे दे, मगर इनको वोट ना दें, क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं, 603 किसान शहादत दे चुके हैं, सभी प्रकार के मौसमों का सामना सड़क के ऊपर किसान कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दरवाजे खुले हैं, तो दरवाजा कौन सा है? जनवरी के महीने में कहा उन्होंने, तो दरवाजे का पता नहीं है। एक कॉल फोन दूरी पर है, वो फोन नंबर पता नहीं है कौन सा है। कृषि मंत्री जी ने कल ही कहा है कि सरकार वार्ता को तैयार है, तो वार्ता को तैयार है तो सरकार क्यों नहीं लेटर भेज रही है? सरकार लेटर भेजे, वार्ता करे। इस प्रकार से देश के लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं है। और असली जो आंदोलन है ये किसानों का नहीं होकर, किसानों का तो है मगर मुख्य लड़ाई ये देश की गरीब जनता की है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो जो बिक रहा है, ये इसी कानून का परिणाम है। जमाखोरी कालाबाजारी के लिए जो कानून नंबर 2 में संशोधन किया गया कि कोई भी व्यापारी कितना भी अनाज संग्रह कर सकता है, सामग्री संग्रह, खाद्यान्न सामग्री संग्रह कर सकता है, किसी सीमा तक भी कर सकता है, तो और किसान पर लिमिट लगाई गई है, तो उसके कारण ये महंगाई बढ़ रही है, इसी कानून के कारण महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार को थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे अविलंब तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए जी। और आप कह रहे हैं ना कि सरकार गुमराह कर रही है, आपसे थोड़ी देर पहले खुद कृषि मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, वो फिर से कह रहे हैं बातचीत की बात, वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आंदोलन खत्म कर दीजिए। देखिए आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, आंदोलन तो अब 7 महीने हो गए हैं, आंदोलन तो जारी रहेगा और वार्ता भी साथ में जारी रहेगी। वार्ता आंदोलन दोनों साथ चल रहे हैं, इस प्रारंभ से 12 राउंड हमारी बातचीत हुई है, तब भी आंदोलन चल रहा था। अमित शाह जी से भी हमारी बातचीत हुई है 1 राउंड, और उनके साथ 4-5 मंत्री और थे। अमित शाह जी ने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है कि हमने देश के किसानों को कॉन्फिडेंस में ले नहीं लिया, और कॉन्फिडेंस में लेके कानून ऑर्डिनेंस लेकर आते तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है। हमारा ये बार बार कहना है कि अब तोमर जी का एक बयान था ग्वालियर से, उन्होंने बयान दिया कि 3 कानूनों को छोड़कर हम वार्ता को तैयार हैं, तो हमारा मुद्दा ही 3 कानून है और MSP गारंटी वाला मामला है, हम उनको छोड़कर वार्ता कैसे कर सकते हैं? तो वार्ता शर्तों पर नहीं हो सकती, वार्ता कंडीशन पर नहीं हो सकती, सरकार को 2 कदम आगे आना चाहिए। फिर कैसे होगी बातचीत? 11 दौर की बातचीत हो चुकी है कक्का जी, क्या लग रहा है तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? तीसरा रास्ता सरकार को, लोकतंत्र में सरकार को जिद नहीं करना चाहिए,
लोकतंत्र कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा की जीत चलेगी यहाँ पर। अगर देश के किसान वो कानून नहीं चाहते हैं तो आप जबरिया क्यों देना चाहते हैं उनको आप? तो सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और सरकारों को तीन कालने कानून को रद्द करना पड़ेगा। MSP पर केवल भारतवर्ष में 6% लोगों को ही लाभ मिलता है। हम चाहते हैं कि देश के 100% किसानों को लाभ मिले। अगर MSP पर गारंटी का कानून बन जाता है तो देश के सभी किसानों को लाभ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार की जिद है, सरकार को कम से कम दो कदम पीछे हटना चाहिए। वो ये कहते हैं कि आप जिद पर अड़े हुए हैं, इस कानून को समझना आपके लिए जरूरी है, आपके हितों से जुड़ा हुआ है। देखिए 12 राउंड में कानून का पर बिंदुवार चर्चा हुई है और कानून को कटघरे में खड़ा किया है हमने। हर बिंदु पर खड़ा किया है। यदि उस पर चर्चा का समय हो तो हम उसमें भी फिर से आपको बता सकते हैं कि ये, और सरकार ने स्वीकार किया कि हम इनमें संशोधन करने को तैयार हैं। जो जो चीज में आपत्ति है, जब संशोधन ही आप पूरा कर दोगे तो कानून बचता ही नहीं है फिर। उससे अच्छा ये है कि आप कानून रद्द करें। पर सरकार जिद कर रही है, किसान जिद नहीं कर रहे हैं। किसान को कानून चाहिए ही नहीं, आप क्यों दे रहे हैं? 82 में अमेरिका में ये कानून लागू हुआ, वो अमेरिका बर्बाद हो गया। 2007 में आपके बिहार में लागू हुआ, बिहार का किसान पूरा लेबर हो गया वहाँ पर। मध्य प्रदेश में एक ई पोर्टल है गवर्नमेंट का, मंडी बोर्ड का, 80-90 मंडियाँ इस कानून के तहत बंद हो गई, पूरी मंडियाँ बंद हो गई। जमाखोरी के आलम यह है कि सरसों का तेल आज क्यों बिक रहा है 200 रुपये किलो, क्योंकि जमाखोरी चल रही है, जमाखोरी की पूरी छूट इस कानून में। ठीक है, तो ये कानून को वापस देना पड़ेगा। ये जनता के हित में भी है और किसान के हित में भी है, पर सरकार भी ये कह रही है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन आपके जो भी सवाल हैं उस पर जरूर चर्चा हो सकती है और बातचीत ही एक जरिया है जिससे समाधान कम से कम इस समस्या का होता हुआ दिखाई देगा भविष्य में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव कुमार शर्मा जी। ABP News आपको रखे आगे।